के भाई सुनो, ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है। जी। तुम्हारा कमिश्नर प्लास्टिक को बंद करने में लगा हुआ है। जी। मेरी प्लास्टिक की फैक्ट्रियों को सील कर दिया है उसने, लोगों को प्लास्टिक के विरुद्ध जागरूक करने में लगा हुआ जी। है। अब तुम्हारे ऊपर है, कोई भी तरीके से प्लास्टिक को खत्म नहीं होने देना है। अगर ऐसे ही चला तो मेरा तो बिजनेस चौपट हो जाएगा। जी साहब। अगर कमिश्नर सुनता नहीं है तो खत्म कर दो उसको। जी साहब। कोई भी तरीका निकालो और ये बंद करो। जी साहब। हाँ हेलो, कमिश्नर को उठा के लाओ रे मेरे अड्डे पे। अरे क्या हो गया साहब? जितना बोल रहा हो ना उतना ही कर, अब भी उठा के ले आ। बस अभी लाया साहब। कहाँ मर गया रे कमिश्नर? उठा लिया साहब, बस पहुंच रहे। कोई देखा तो नहीं? नहीं भाई, कोई देखा नहीं। देख तो रहे दरवाजा में कौन है? हाँ साहब। पानी पी ले कमिश्नर। अरे पी ले कमिश्नर। जितना पूछू ना उतना ही जवाब देना। ये बता कमिश्नर, तू मेरे पीछे क्यों पड़ा है? मैं किसी के पीछे नहीं पड़ा हूं सर। फिर तू ये बता, तूने हमारी प्लास्टिक फैक्ट्री को क्यों सील कर दिया? वहां पॉलिथीन बनाते हैं सर, और वो फैक्ट्री एक दिन सबको मार देगी। ये नया खोज कहाँ से लाया रे? तू ये बता पॉलीथीन कब से आदमी को मारने लगा है? सर प्लास्टिक के कप या ग्लास में गर्म दूध या चाय पीने से प्लास्टिक में मौजूद कैंसर कारक रसायन उसमें घुल जाता है और वही पेट के कैंसर का कारण बनता है साहब। अच्छा, तू इतनी सी बात पर हमारी प्लास्टिक फैक्ट्री बंद करवा देगा? नहीं साहब, प्लास्टिक के जलने से जो गैस निकलती है उसके कारण पूरे वायुमंडल में प्रदूषण फैलता है और अस्थमा जैसी बीमारियों का जन्म होता है। और तो और ये ओजोन लेयर को तक नुकसान पहुंचाती है। तो ओजोन लेयर में होल होने के कारण सूर्य के विकिरण से चर्म रोग और यहाँ तक कि स्किन का कैंसर हो सकता है साहब। और ये प्लास्टिक ही ग्लोबल वार्मिंग का कारण बन चुका है और यहाँ तक कि ग्लेशियर्स तक पहुँच चुका है साहब। अच्छा, तू तो बड़ा नया चीज बता रहा है, और क्या होता है? देखिए साहब, यहाँ जमीन में हर जगह प्लास्टिक पड़ा हुआ है जो कि नॉन बायोडिग्रेडेबल है और जिसके कारण जमीन पानी नहीं सोख पाती और इसी कारण भूजल स्तर गिरता जा रहा है और हजारों बोरवेल सूख चुके हैं। नया नया खबर सुना रहा रे तू, और क्या क्या है तेरे पिटारे में? अब ये प्लास्टिक नदियों को भी नहीं छोड़ता, उन्हें तक प्रदूषित कर देता है और वो पानी पीने के लायक नहीं रहता। बढ़िया है। पॉलिथीन खाने से लाखों गायें बेमौत मारी जा रही हैं सर। और तो और एक गाय के पेट से 52 किलो प्लास्टिक निकला है सर। गाय तो गाय, समुद्री जीवों जैसे व्हेल मछली के पेट से भी प्लास्टिक मिला है। अच्छा, नया नया कहानी लेकर आ रहा तू, और प्लास्टिक की बोतल और पन्नी नाली और सीवरेज लाइन को तक चोक कर देती है सर। तो बारिश होने से पानी की निकासी नहीं हो पाती सर और शहरों में बाढ़ आ जाती है। मुंबई और पटना के बारे में तो आप जानते ही होंगे। ये तो मैं देखा हूँ, और क्या होता है? और जल भराव के कारण कई प्रकार की बीमारियाँ फैलती हैं और कभी कभी तो महामारी तक फैल जाती है जिससे हजारों लोग मारे जाते हैं। प्लास्टिक के बारे में तू बड़ा खतरनाक बात है बोल रहा रे, इसी कारण तू मेरे प्लास्टिक फैक्ट्री के पीछे पड़ा हुआ है क्या? मैं किसी के पीछे नहीं पड़ा हूँ साहब। अब तू मेरी बात सुन, तेरी बात गई भाड़ में, हमारी प्लास्टिक की फैक्ट्री की ताला तू खुलवाएगा। ये नहीं हो सकता है सर, प्लास्टिक से होने वाली खतरनाक और जानलेवा बीमारियों को देखते हुए लोगों को मौत के मुंह में धकेल नहीं सकते। ए, तू अपने मुंह में ताला लगा। कमिश्नर, ये जो तूने लोगों में जागरूकता अभियान चला के रखा है, झिल्ली पन्नी का उपयोग करने से मना कर रहा है, लोगों को तू थैले का उपयोग करने बोल रहा है, स्टील की बर्तन उपयोग करने बोल रहा है, ये सब बंद कर, समझा? ये तो नहीं हो सकता सर। समझ में नहीं आ रहा तेरे को? इसमें मालूम है तुझे कितनी गोलियां हैं? साले पूरी की पूरी उतार दूंगा।
भिलाई स्टील प्लांट ने सिंगल यूज प्लास्टिक को ख़त्म करने के लिए एक मुहिम सा छेड़ा हुआ है और इसके तहत हम अपने टाउनशिप को प्लास्टिक से मुक्त करना चाहते हैं। इसके लिए ही ये फिल्म बनाई गई है और हमारा इसलिए टाउनशिप के समस्त वासियों से, प्लांट के समस्त वासियों से, जो लोग भी दुकानदार हैं, हमारे जो कर्मचारी हैं, इन सब से हम अपील करना चाहते हैं कि थोड़ी सी अपनी आदत को बदलिए और सिंगल यूज प्लास्टिक के उपयोग को मिनिमम से मिनिमम करने में हमारा सहयोग दीजिए। तो हमें आप सबका इसमें सहयोग चाहिए जिससे कि हम सिंगल यूज प्लास्टिक को कम से कम या खत्म कर सकें। प्रतिदिन 15,000 टन प्लास्टिक कूड़ा फेंका जाता है। हर घंटे 2.5 लाख प्लास्टिक की बोतलें फेंकी जाती हैं। प्लास्टिक गांव से लेकर शहर तक लोगों की सेहत बिगाड़ रहा है। समय आ गया है कि इस धरती से प्लास्टिक को समाप्त कर दिया जाए, अन्यथा प्लास्टिक हमें अपना शिकार बनाकर खत्म कर देगा। धरती को बचाने अपना योगदान दें, प्लास्टिक को ना कहें। घर से जब भी निकलें, कपड़े का थैला लेकर निकलें।